Hello there everyone, what's up and how you all are doing? So this is KP Styles and welcome back to my channel. So today in this video I am going to create a makeup look which is going to be really easy. Like मैंने बहुत time से अपने channel पे कोई भी makeup look share नहीं किया था, so I decided के let's do a makeup look. So basically it's going to be a easy peasy beginner's makeup look and also for those people who have to go to offices, their jobs and उनके पास इतना time नहीं होता है कि वो बहुत सारा makeup करें. So like ये बहुत ही ज़्यादा easy makeup look होने वाला है. अगर आप बिगिनर हो या आपको जल्दी जल्दी मेकअप करना होता है, आपको अपनी जॉब के लिए जाना होता है, या अगर आप कोई ऐसा मेकअप लुक देख रहे हैं जो सिर्फ 5 मिनट्स में आप क्रिएट कर सकें, तो यू आर वॉचिंग द राइट वीडियो. सो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर गोइंग इन टू दैट आपको पता ही है दैट यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल. एंड अगर ये वीडियो आपको किसी भी पॉइंट पे अच्छी लगी, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज लाइक माई वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट और लोग जो है वो मेरे चैनल को ज्वाइन कर पाए. And do follow me on Instagram. I post all the latest updates there. So without wasting any further time, let's get started. ओके, सो जो बेसिक सबसे पहली चीज आती है वो आती है स्किन केयर, जो ऑब्वियसली हर कोई करता ही है. सो आपको अपने मेकअप करने से पहले भी आपका स्किन केयर प्रॉपरली कंप्लीट कर लेना है. एंड मैं अपना स्किन केयर इस वीडियो में नहीं दिखाने वाली बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डन इट. सो स्किन केयर के बिना तो आप कभी भी अपना मेकअप स्टार्ट ना करो, क्योंकि अगर आपका मेकअप आपकी स्किन के अंदर चला गया तो आपकी स्किन बहुत बुरे तरीके से डैमेज हो सकती है. सो स्किन केयर के बाद जो फर्स्ट चीज हमारी आती है वो होता है अप्लाइंग ए प्राइमर. प्राइमर चाहे आप जल्दी में मेकअप कर रहे हो चाहे आप आराम से मेकअप कर रहे हो, प्राइमर तो लगाना ही है बिकॉज प्राइमर इज द बेस ऑफ योर बेस. ओके, लाइक आपका फाउंडेशन एंड ऑल लगाने से पहले भी आपको एक बेस चाहिए होता है जो आपके फेस को एक स्मूथ कैनवस प्रोवाइड करे. सो उसके लिए आपको प्राइमर यूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो हेयर आई एम यूजिंग द नायका प्रेपनी अप फेस प्राइमर. सो लाइक एक अफोर्डेबल प्राइमर है, आपको 500 रुपीज के अंदर ये मिल जाता है. एंड आई लाइक दिस प्राइमर वेरी मच. इट्स ए सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर एंड इट वर्क्स फॉर मी बिकॉज मेरे फेस पे इतने ज्यादा पोर्स नहीं है. सो मुझे मेरे लिए काम करता है, बट आई थिंक जिनके फेस पे ज्यादा पोर्स होंगे भी उनके लिए भी ये काम करेगा. यू कैन गिव इट अ ट्राई, लाइक इट्स ए नाइस प्राइमर. सो आपको प्राइमर बहुत ज्यादा नहीं लेना होता, लाइक दिस इज द अमाउंट यू हैव टू टेक, बिकॉज अगर आप ज्यादा प्राइमर भी लोगे ना तो आपके जो पोर्स है वो क्लॉग हो जाएंगे एंड फिर आपको पिंपल की प्रॉब्लम हो जाएगी. सो इतना प्राइमर लेने के बाद आपको बेसिकली अपना प्राइमर उसी जगह पर लगाना होता है जहां पे आपके आपको प्रॉब्लम होती है. एज यू कैन सी ये लगाते ही मतलब ऐसे मैटिफाइंग सा इफेक्ट दे देता है. तो जहां जहां पे आपको पोर्स की प्रॉब्लम है वहां वहां पे आप अपना जो प्राइमर है वो अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं. सो मुझे भी जहां पे पोर्स की प्रॉब्लम है मैं सिर्फ वहीं पे ही अप्लाई करूंगी. लाइक दिस इज द एरिया जहां पे मुझे बहुत ज्यादा पोर्स की प्रॉब्लम हो जाती है. सो मैं जस्ट अच्छे से अप्लाई कर लूंगी अपना प्राइमर. ओके, सो प्राइमर मैंने अपना अप्लाई कर लिया है. प्राइमर अप्लाई करने के बाद आती है आपके बेस की. सो जब कोई जल्दी जल्दी में मेकअप कर रहा होता है उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो फाउंडेशन कंसीलर एंड ऑल दैट स्टफ लगाएं एंड देन उसको ब्लेंड करें, क्योंकि ब्लेंड भी अच्छे तरीके से करना ही होता है. सो वो सब करने के बजाय हम लेंगे एक बीबी क्रीम या फिर एक सीसी क्रीम बिकॉज वो इजिली ब्लेंडेबल होती है. आपको मीडियम टू शेयर कवरेज प्रोवाइड कर देती है, लाइक मीडियम कवरेज तो देती ही अगर आप अच्छी कोई बीबी क्रीम यूज करो तो. एंड ऑल्सो आपको ब्रशेज या ब्यूटी ब्लेंडर्स की जरूरत नहीं है, आप बीबी क्रीम्स को अपने हैंड की हेल्प से ही ब्लेंड कर सकते हो, जो कि बहुत ज्यादा टाइम सेविंग भी है एंड आपको बहुत ज्यादा नेचुरल फिनिश भी देता है. सो मैं अपनी यूज करने वाली हूँ वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट बीबी क्रीम्स, जो मैं शायद हर वीडियो में भी शेयर करती हूँ एंड मुझे पसंद भी यही है. सो मैं यूज करूंगी दिस पॉन्स बीबी क्रीम एंड जो मेरा शेड है इसमें वो है 01 ओरिजिनल. लाइक ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग बीबी क्रीम है. अगर आपकी ऑयली स्किन है, आपकी ड्राई स्किन है, आपका जैसा भी स्किन टाइप है, यू कैन यूज दिस बीबी क्रीम, क्योंकि ये आपको बहुत ही अच्छी कवरेज भी प्रोवाइड करती है. एंड दिस इज द अमाउंट विच आई एम गोइंग टू टेक एंड आपको ज्यादा लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती. सो मैं इसको डॉट डॉट करके पहले ऐसे ही अप्लाई कर लूंगी. सो आई थिंक 01 शेड इज लिटिल बिट येलो फॉर मी, बट यही शेड ही आता है. सो मैं इसको एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट योर नेक, बिकॉज अगर आप नेक पे नहीं अप्लाई करोगे सो आपको थोड़ा सा वो हो सकता है. एंड मैं इसी को अपनी आईज पे भी अप्लाई करूंगी. देन आपको इसको करना है अच्छे तरीके से ब्लेंड. लाइक यू कैन सी हाथ से ही अच्छे से जो है वो ब्लेंड हो जाती है ना. सो आपको इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है.
सो मेरी बेबी क्रीम हो चुकी है अच्छे से ब्लेंड। एंड जब हम बात करते हैं बिगिनर्स मेकअप या 5 मिनट मेकअप की, तो कॉन्टोरिंग करने का किसी के पास भी टाइम नहीं होता है, कॉन्टोरिंग, ब्रॉन्जिंग एंड ऑल दैट स्टफ, इवन आई शैडो। तो अब हम क्या करेंगे, हम मूव करेंगे डायरेक्टली अपने फेस को सेट कर। जब आप फटाफट मेकअप कर रहे होते हो, आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप जाके अपने ब्रशेस ढूंढो, आप अपना पाउडर ब्रश ढूंढो एंड देन आप अपने फेस को सेट करो, तो उसकी जगह आप क्या कर सकते हो, जो आपको ये स्पंज एप्लीकेटर साथ में मिलता है, आप इसी की हेल्प से अपने फेस को अच्छे से सेट कर सकते हो। बिकॉज यू नो ब्रशेस ढूंढने में इतना टाइम कौन वेस्ट करे, राइट? सो आपको बिल्कुल भी ज्यादा पाउडर नहीं लेना होता है, क्योंकि क्या होता है जब आप बहुत सारा लगाते हो ना, तो वो पाउडर दिखता है आपके फेस पे, पता चलता है कि आपने मेकअप लगा रखा है। तो आपको क्या करना है, क्वांटिटी कम लेनी है लेकिन उसको अप्लाई ज्यादा एरिया में करना है, जिससे क्या होगा आपका फेस बहुत ज्यादा नेचुरल भी दिखेगा एंड ज्यादा पाउडरी भी नहीं दिखेगा। सो आपको बस अपना कॉम्पैक्ट लेके ऐसे सेट करते जाना है। आपको बेसिकली फोकस करना है अपनी अंडर आईज पे, नोज के साइड में, लिप्स के साइड में, चिन पे, जहां पे बेसिकली क्रीजिंग की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि समर्स है एंड आपको क्रीजिंग की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। सो आपको उन एरियाज पर ज्यादा फोकस करना है, लाइक प्रॉपरली आपको पहले चेक कर लेना है कि आपकी कोई क्रीजेस तो फॉर्म नहीं हो रही। देन आपको क्या करना है, आपको लेके अच्छे से उन एरियाज में अपना कॉम्पैक्ट जो है वो अप्लाई कर लेना है, ताकि आपको क्रीजिंग की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। एंड ज्यादा अगर आप अच्छे से इसको सेट कर भी लोगे तो होगी भी नहीं, क्योंकि आपने अपने फेस पे इतना कुछ नहीं अप्लाई किया है, तो थोड़े पाउडर से भी वो अच्छे से सेट हो जाएगा। तो फेस अपना अच्छे से सेट करने के बाद जो बारी आती है, वो आती है आपके ब्राउज की। लाइक बेस मैं बहुत ज्यादा नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि बस आपको अपनी बेबी क्रीम अप्लाई करनी है एंड अपना बेस अच्छे से सेट कर लेना है। उसके बाद आती है हमारी ब्राउज की। अब होता क्या है, अगर आप अपना पूरा मेकअप कर लो एंड ब्राउज ना करो तो वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ब्राउज जो है वो आपकी पूरी लुक को कम्प्लीटली चेंज कर देती है। ब्राउज पे तो आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। सो रादर देन यूजिंग सम ब्राउ पोमेड, ब्राउ पाउडर, आप प्रेफर क्या करो कि आप एक ब्राउ पेंसिल यूज करो, क्योंकि ब्राउ पेंसिल जो है वो बहुत ज्यादा इजी होती है यूज करने में एंड आप उसको फटाफट भी कर सकते हो, क्योंकि कई ब्राउ पेंसिल के साथ स्पूली भी आती है, तो उससे क्या होता है आप बहुत जल्दी अपना जो है पूरी ब्राउज कंप्लीट कर सकते हो एंड आपको ज्यादा देर भी नहीं लगेगी। सो मैं यहाँ पे बेनिफिट की प्रिसाइजली ब्राउ पेंसिल जो है वो यूज कर रही हूँ। इट्स अमेजिंग ब्राउ पेंसिल, बट जरूरी नहीं है कि आपको भी यही पेंसिल यूज करनी है, आप अपनी कोई भी मर्जी की जो पेंसिल है उसको यूज कर सकते हो एंड बहुत अफोर्डेबल रेंज में भी बहुत अच्छी ब्राउ पेंसिल्स आपको मिल जाती हैं, तो आप उसको भी यूज कर सकते हो। सो इस ब्राउ पेंसिल के साथ अगर आप ये वाली यूज कर रहे हो, आपको बहुत ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत है, क्योंकि ये वाली जो ब्राउ पेंसिल है ये बहुत ही ज्यादा डेलिकेट एंड है, बहुत जल्दी टूट जाती है। लाइक ये जब आई थी, थोड़ी सी अमाउंट तो मैंने इसकी वैसे ही तोड़ दी थी, क्योंकि मैंने इसको इतना ज्यादा हार्डली यूज कर लिया था कि वो टूट गई। सो ये करने के बाद आपको अपनी ब्राउज को कॉम्ब आउट कर लेना है, क्योंकि जब आप पेंसिल प्रोडक्ट यूज करते हो तो आपका प्रोडक्ट जो है वो थोड़ा सा रह जाता है आपकी ब्राउज पे, तो उसको अच्छे से ब्लेंड आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो मेरे पास ये दूसरी ब्राउ पेंसिल है, मैं इसका जो ये ऊपर स्पूली वाला पार्ट है मैं इसको यूज कर रही हूँ, ताकि जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से ब्लेंड आउट हो जाए, क्योंकि यू नो क्या होता है कि जो उसके क्रीम प्रोडक्ट के थोड़े थोड़े पार्टिकल्स रह जाते हैं, थोड़े थोड़े चंक्स रह जाते हैं, सो आपको उसको अच्छे से कर लेना है ब्लेंड आउट। ओके, सो मेरी आईब्रोज जो हैं वो हो चुकी हैं। उसके बाद हम मूव ऑन करते हैं आईज पे। सो आई शेडो तो हम ऑब्वियसली नहीं करने वाले, बिकॉज आई शेडो करना कोई भी प्रेफर नहीं करता डेली मेकअप में या फिर जब जल्दी जल्दी मेकअप करना होता है। सो हम डायरेक्टली अप्लाई करेंगे आई लाइनर, बिकॉज आई लाइनर इज समथिंग जो हर लड़की को लगाना बहुत अच्छा लगता है एंड लाइनर और काजल लगाने से जो आपकी पूरी मेकअप लुक है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। सो काजल मैं नहीं लगाऊंगी, बिकॉज आई एम नॉट ए काजल पर्सन, मैं इतना ज्यादा काजल यूज नहीं करती हूँ। सो उसकी जगह मैं अप्लाई करूंगी लाइनर एंड मैं बहुत ज्यादा बड़ा विंग नहीं ड्रॉ करूंगी, क्योंकि हम डेली बेसिस पे यू नो विंग आईलाइनर नहीं ड्रॉ करते हैं, हम एक बेसिक सिंपल आईलाइनर ही ड्रॉ करते हैं। सो मैं वही करूँ। आईलाइनर जो मैं यूज कर रही हूँ वो है ये लैक्मे का इंस्टा आईलाइनर। आई जस्ट लव दिस आईलाइनर, ये बहुत ज्यादा अफोर्डेबल भी है एंड ये कम्प्लीटली जेड ब्लैक है। द ओनली ड्रॉबैक इन दिस इज ये वाटरप्रूफ नहीं है, बट अगर आप पानी में ज्यादा अपना फेस नहीं डाल रहे हो, गीले हाथ अपने फेस पे नहीं लगा रहे हो, तो ये नहीं उतरेगा, बिकॉज ये वाटर रेजिस्टेंट है लेकिन वाटरप्रूफ नहीं है। सो अब मैं क्या करूंगी, मैं बहुत ही ज्यादा बेसिक सा आईलाइनर ड्रॉ कर लूंगी। ओके, सो एज यू कैन सी मैंने बहुत ही ज्यादा सिंपल एंड बेसिक सा आईलाइनर ड्रॉ कर लिया है। मैंने बिल्कुल छोटा सा यहाँ पे विंग दिया साइड में
एंड लाइक ये ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, आपको अप्लाई करना है मस्कारा। अप्लाई करने से पहले ऑलवेज ट्राई टू यूज ए आई लैश कलर। इससे होता क्या, आपकी आई लैशेज जो है वो बहुत ज्यादा यू नो फ्लैटरी दिखती है एंड आपका मस्कारा बहुत ज्यादा अच्छे से विजिबल होता है। सो मैं इसको जल्दी से कर लूंगी। सो आपको क्या करना है, आपको इसको करने के बाद ऐसे 2-4 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना है ताकि जो आपकी लैशेज है वो अच्छे से कर्ल हो जाए, क्योंकि आप एकदम हटा दोगे तो वो कर्ल नहीं होंगी। एंड यू कैन सी कि जो आई लैशेज हैं वो प्रॉपरली जो है कर्ल हो चुकी हैं। सो सेम चीज आपको कर लेनी है दूसरी साइड पे। आई लैशेज कर्ल करने के बाद आपको अप्लाई करना है मस्कारा। सो मैं यहाँ यूज कर रही हूँ टू फेस बेटर देन सेक्स मस्कारा बिकॉज इट्स एन अमेजिंग मस्कारा एंड ये आपकी लैशेज को बहुत ही ज्यादा लॉन्ग एंड वॉल्यूमिनस दिखाता है। सो ये बहुत ज्यादा अमेजिंग मस्कारा है। आपको क्या करना है, आपको पहले एक्सेस प्रोडक्ट जो है वो रिमूव कर लेना है ताकि जो यू नो आपकी आई लैशेज है वो बहुत ज्यादा क्लम्पी ना दिखे, क्योंकि आपने देखा होगा कईयों की दिखती है कि उन्होंने मस्कारा अप्लाई करके छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखते हैं। तो आपको क्या करना है, अच्छे से पहले वाइप कर लेना है एक्सेस प्रोडक्ट ताकि लैशेस क्लम्पी ना दिखे और बहुत ज्यादा अच्छी दिखे। अप्लाई करने के बाद आपका आई लुक जो है वो यहाँ पर कम्प्लीट हो जाता है। अगर आपको काजल लगाना है तो दैट इज कम्प्लीटली ऑप्शनल, अगर आपको लगाना है तो आप लगा सकते हो। तो अब हम मूव करेंगे लिप्स पे। सो लिप कलर मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ लैक्मे फॉर एवर मैट एंड इट इज इन द शेड 08 दैट इज न्यू ड्रीम। सो एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग पिंकिश न्यूड शेड है। सो मैं इसको अप्लाई कर लूंगी अपने लिप्स पर। इट्स एन अमेजिंग पिंक शेड एंड अगर आप लोग चाहो तो आप इसी सेम लिप कलर को क्या कर सकते हो, आप अपने चीक्स पर अप्लाई कर सकते हो बिल्कुल हल्का सा एंड देन आप इसको ब्लेंड कर सकते हो ताकि यू नो आपको एक ब्लश का भी इफेक्ट मिले। बट बेसिकली आपको जो ये वाला पर्टिकुलर स्टेप है ये आपको ये अपने यू नो पाउडर लगाने से, कॉम्पैक्ट लगाने से पहले करना है ताकि वो अच्छे से ब्लेंड हो पाए। पाउडर लगाने के बाद ऑब्वियसली आप क्रीम प्रोडक्ट यूज नहीं करते हो एंड आप वापस से अगर चाहो तो इसको एक बार और सेट कर सकते हो, क्योंकि लिक्विड लिपस्टिक जो है वो बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होती है एंड यू नो वो आपकी रिमूव नहीं होती। बट अगर आप चाहो तो इसको पाउडर से एक बार वापस सेट कर सकते हो एंड दैट्स इट। आप इस लुक को और थोड़ा इंडियन बनाना चाहते हो, अगर आपको ये लुक जो है थोड़ा मैरिजेस में या फिर कहीं इंडियन में या फिर किसी इंडियन थिंग में वेयर करना है, आप यहाँ पे वेयर कर सकते हो इसके साथ झुमकास। आई एम वेयरिंग दिस रियली ब्यूटीफुल ऑक्सीडाइज सिल्वर झुमकास विद इट एंड हेयर स्टाइल के लिए सिंपली यू नो पोनी टेल टाई कर सकते हो बिकॉज आई थिंक पोनी टेल्स आर मच मोर कम्फर्टेबल। सो या एंड यू वॉन्ट यू कैन एड ए लिटिल बिंदी विच लुक्स लाइक रियली क्यूट ऑन द होल एथनिक लुक। या गाइज दैट्स इट फॉर टूडेज वीडियो। आई होप यू वुड हैव लाइक दिस इजी 5 मिनट मेकअप लुक एंड इफ यू डू नॉट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट यू नो अगर मैं कोई भी न्यू वीडियोज अपलोड करूँ तो आपको पता चलता रहे कि मैं कोई वीडियो अपलोड कर रही हूँ एंड ऑल्सो प्रेस द नोटिफिकेशन बटन। सो या आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।